नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max वर्सेस Oppo F19 Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Redmi Note 10 Pro Max में 6.48 इंच जबकि Oppo F19 Pro में 6.3 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Redmi Note 10 Pro Max से कम है। विड्थ की बात करें तो Redmi Note 10 Pro Max में 3 इंच जबकि Oppo F19 Pro में 2.88 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Redmi Note 10 Pro Max से कम है। बात करें थिकनेस की तो Redmi Note 10 Pro Max में 0.32 इंच जबकि Oppo F19 Pro में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Redmi Note 10 Pro Max में 192 ग्राम्स जबकि Oppo F19 Pro में 172 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही सुपर AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Redmi Note 10 Pro Max में 6.67 इंचेस जबकि Oppo F19 Pro में 6.43 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Redmi Note 10 Pro Max में 85.8% जबकि Oppo F19 Pro में 85.18% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Redmi Note 10 Pro Max में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Oppo F19 Pro में 409 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Redmi Note 10 Pro Max में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Oppo F19 Pro की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Redmi Note 10 Pro Max में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Oppo F19 Pro में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Redmi Note 10 Pro Max में Adreno 618 जबकि Oppo F19 Pro में Powerwall GM9446 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Redmi Note 10 Pro Max में Qualcomm Snapdragon 732G और Oppo F19 Pro में MediaTek Helio P95 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Redmi Note 10 Pro Max में अप टू 512GB जबकि Oppo F19 Pro में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Redmi Note 10 Pro Max में 5020mAh जबकि Oppo F19 Pro में 4310mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Redmi Note 10 Pro Max में 3 कलर्स जबकि Oppo F19 Pro में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Redmi Note 10 Pro Max की 21,999 रुपीस जबकि Oppo F19 Pro की 20,490 रुपीस प्राइस देखने को मिलती है।
दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max में 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Oppo F19 Pro की तो उसमें 6 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Redmi Note 10 Pro Max आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में Redmi Note 10 Pro Max आगे है। इंटरनल मेमोरी में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Mi 10 आए है जो कि 23,978 रुपए में मिलता है। दूसरा Samsung Galaxy F62 है जो कि 18,499 रुपए में मिलता है। तीसरा Realme 8 Pro है जो कि 19,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Poco X3 Pro है जो कि 20,999 रुपीज में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।